जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको विटामिनों के बारे में जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही थी, और कहीं ना कहीं हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए खनिज की ओर बढ़ रहे थे। खनिज को मैंने कल आपको बताया था, खनिज कहीं ना कहीं दो प्रकार के होते हैं, वह खनिज तथा सूक्ष्म खनिज। अब वह खनिज तथा सूक्ष्म खनिज होते क्या हैं, उनको हम डिटेल में जानने का कार्य करेंगे, डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से जानने का कार्य करेंगे। उससे पहले चंद पंक्तियों से इस क्लास की शुरुआत करना चाहूँगा कि वह कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वह उतना पेखन निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पिटता है तब धुन पर खूब खनकता है, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगा। वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। शायद पंक्तियाँ आपको बहुत बेहतरीन सी लगी होंगी, इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। और हमने आपको बताया था कि खनिज क्या होता है, खनिज आखिर क्या होता है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, कल मैंने आपको इतना बता दिया था। उसके जो भाग होते हैं, वह खनिज तथा सूक्ष्म खनिज के बारे में आज हम आपको महत्वपूर्ण तरीके से जानकारी देंगे, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का वादा है, इस बात की गारंटी है कि 2023 में आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी, और आपकी ज़िंदगी से बेरोजगार नाम का शब्द हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। एक बेहतरीन सा मौका आप हासिल करेंगे, बशर्ते आपको फ्यूचर अकेडमी XYZ के माध्यम से पढ़ाई करने का कार्य करना होगा, जिससे कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो। क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा है कि कंटेंट जो है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन सा देखने को मिल रहा है। हर जगह तो टीचर तो पढ़ाते हैं, बशर्ते वो आपको पूरा कंटेंट नहीं देते हैं, यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल आपको देखने को मिलता है, पूरा मटेरियल। क्योंकि आपको एक विशेष माध्यम बता दूं कि अगर वो पूरा पढ़ा देंगे YouTube पर, तो उनका पेड जो कोर्स होते हैं उनको कौन खरीदेगा, महत्वपूर्ण बात तो यह हो जाती है ना। तो मैं तो भैया कोई पेड कोर्स नहीं करना है, मुझे कोई नहीं करना, मैं सारा सब कुछ यहीं पढ़ाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, पूरी क्लासें आपको यहीं पर दूंगा फ्री, बिल्कुल फ्री, कुछ भी आपको पैसे एक रुपए नहीं देना है। सिर्फ ये काम करना है, वो करेंगे आप क्या, सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा, वीडियो को शेयर कर दिया करेंगे, जिससे कि बहुत बेहतरीन तरीके से थोड़ी सी वीडियो को रीच मिल जाएगी, जिससे क्या है आपका तो भला होगा, साथ में आपके यार दोस्त और चाहने वालों का भी साथ में भला हो जाए। इसके अलावा आपको बता दें, बाहुबली बैच बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने के बाद आज समाप्ति की ओर, कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जा रहा है। इसके बाद आपका एक चैप्टर और रह जाएगा, मानव रोग। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो मानव रोग होगा, और मानव रोग के बाद आपकी बायोलॉजी में बाहुबली, बिल्कुल सच में यहाँ बायोलॉजी में बाहुबली बनने का कार्य करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के बैच समाप्ति की ओर है। मानव रोग एक चैप्टर बचा हुआ है आखिरी, और उसको हम पढ़ाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बॉटनी को, और वो भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा बैच होगा, और जीवन में कहीं ना कहीं उससे भी बहुत आगे जाने का कार्य करेंगे। अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, एक तरफ तो बाहुबली बैच जो कि समाप्ति की ओर है, उसके बाद बॉटनी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, इसके अलावा आपका राम सेतु बैच जो कि हिस्ट्री का बैच है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसमें लगभग 40 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, अभी बढ़ती जा रही हैं भैया। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लगभग उसमें 150 वीडियो जाएंगी, कम से कम 150 वीडियो का संग्रह आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अग्निपथ बैच आपका जो बेहतरीन सा बैच है, वो आपने देखा होगा, कल से हम उसको प्रारंभ करेंगे, कहीं ना कहीं उसकी अनाउंसमेंट आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेंगी। चलिए जाइए, बिल्कुल शेयर कराइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 1 तारीख का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर आप इस तरीके से मनाएंगे, फ्यूचर अकेडमी के साथ इस बार मनाने का सोचिए। रात में 8 बजे आपको एक ऐसा सरप्राइज देखने को मिलेगा, आप सच में शॉक्ड हो जाएंगे कि सर इतना बेहतरीन सा, वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री, आप लोगों का पूरा पूरा फायदा वहां पर देखने को मिलेगा। और आप जाएंगे तो शेड्यूल भी बन गया है, उसमें जाइए, बिल्कुल हर जगह का मैंने क्या बना, शेड्यूल बना दिया है, जाइए वहां पर नोटिफाई भी कर लीजिए, क्योंकि क्लास चूकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल धड़ाके से सभी लोगों को जोड़ लीजिएगा, और इकट्ठी बिल्कुल सभी लोग देखेंगे उस वीडियो को, क्योंकि बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए वह रहेगी,
चलते हैं सीधा टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या कहता है इसके बारे में वार्ता करेंगे, इसको समझेंगे आखिर यह किस किस आधार पर हमें बेहतरीन तरीके से ज्ञान देने वाला है। आप लोग समझिएगा कि बहुत खनिज, पहले तो खनिज का ध्यान रखिए, क्या पहले तो बात करेंगे खनिज की। सबसे पहले खनिज की बात ही कर लेते हैं। खनिज क्या होता है? खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला वाह खनिज होता है, कहना सर ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कहना सर जी सूक्ष्म खनिज होता है। वाह खनिज क्या होता है? इन तत्वों की आवश्यकता शरीर में अधिक होती है। वह तत्वों में क्या होता है? वह इन तत्वों की आवश्यकता शरीर में अधिक होती है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, ठीक है, सी ए हो गया, पी हो गया, के हो गया, एस हो गया, एन ए हो गया, सी एल हो गया, एम जी हो गया, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बता देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी बिल्कुल, हमें आपको बता रहा हूँ ना, दिक्कत नहीं लेनी है, हर चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। तो बाहर खनिज जो होते हैं इसमें तत्वों के लिए बाहर से शरीर के लिए अधिक आवश्यक होते हैं, ये पता शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इन खनिजों की। अगर हम बात करें तो सी ए हो गया, पी हो गया, के हो गया, एस हो गया, एन ए हो गया, सी एल हो गया और एम जी हो गया, एम जी हो गया। अगर हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कैल्शियम रक्त का थक्का बनाता है, अर्थात अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। देखो कैल्शियम, ये तो सभी लोग जानते हैं कि सर कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में तो मदद करता ही है, इसके अलावा हमारी हड्डियां तथा हमारे दांतों को मजबूत बनाने का काम भी कैल्शियम ही करता है। मैंने आपको बताया, क्या बताया, कहना सर ये कौन सा है, कहना सर जी वह खनिज है, कौन सा है, कहना सर जी बेहद खनिज है, यानी जो बाहर से मिलने वाला खनिज यानी कैल्शियम। क्या कहना सर जी, कैल्शियम, कैल्शियम रक्त का थक्का बनाने के साथ साथ हमारी हड्डियों को मजबूत करने का कारण, तथा साथ ही में रक्त रक्त का थक्का बनाने का कारण, दांतों को मजबूत बनाने का कारण, ये सारा काम करता है कैल्शियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आखिर आपसे क्या कहता है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, और आखिर यह कहना क्या चाहता है इसके बारे में भी हम वार्ता करेंगे, है ना। दिक्कत मत लेना, इस बार गारंटी है, क्या इस बार गारंटी है आपका सिलेक्शन फ्यूचर अकेडमी एक्स वाई जेड के माध्यम से ही होगा, क्योंकि कंटेंट में कोई भी बिल्कुल कोई भी कंजूसी नहीं की गई है, पूरा कंटेंट आपको दे दिया गया है, बिल्कुल ज्यों का त्यों, है ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पूरा आपने खुद देखा होगा कि बाहुबली में बायोलॉजी इतनी कौन पढ़ाता है, 70-80 वीडियो जा रही है उसमें, है ना, इतनी कौन देता है भाई। लेकिन फ्यूचर एकेडमी बिल्कुल पूरा कंटेंट आपको दिया है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं। अभी देखना आप, रिविजन भी चलेगा, अभी चलेगा, लगभग 100 क्लासें जाएंगी बाहुबली बैच में, रिविजन भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से चलेंगी, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, यह चावल में नहीं होता है जबकि यह दूध में अधिक होता है, यह चावल में नहीं होता है, यह दूध में अधिक होता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेटिस रिकेटिस हो जाता है, रिकेटिस नामक बीमारी हो जाती है। देखो चावल में तो नहीं होता है परंतु दूध में होता है। क्या होता है कि ना सर जी, दूध में बेहतरीन तरीके से होता है, क्योंकि एक दूध एक ऐसा स्रोत है जो कि हमारे विटामिन तथा खनिज तथा मूल मूल भोजन माना जाता है। दूध का सेवन हमें डेली के डेली शाम को वक्त हल्दी डाल के पीते हैं तो भाई सोने पर सुहागा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक से आधा गिलास एक गिलास दूध पीते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहने का कार्य करते हैं। लेकिन दूध भी ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि ठर्रा वाला दूध पिए जा रहा है, कछू भी मिला दिया उनने और वो पिए। प्योर दूध, अच्छा दूध होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का दूध होना चाहिए, जिससे आप पता बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से। चलते हैं आगे, अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, फास्फोरस। अगर हम अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो फास्फोरस जो है भैया जी, फास्फोरस क्या करता है, अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में सहायक करता है। देखो कैल्शियम मजबूती देने का काल, निर्माण करने का काल, देखो हड्डियाँ जो बनी होती हैं कैल्शियम तथा क्या कैल्शियम तथा फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं, दोनों उसमें होता है। हड्डियों में अगर मुख्य रूप से अगर हम माने तो कैल्शियम तथा फास्फोरस रहता है। मैंने आपको जब अस्थियां पढ़ाई थी तो इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में आपको जानकारी देने का कार्य किया था। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस हस्तियों तथा दांतों का निर्माण करता है, सेम बिल्कुल दोनों से ही मिलकर हड्डियों का निर्माण होता है। पहला फास्फोरस हो गया, दूसरा कैल्शियम हो गया। मैंने, आप जाइए पिछली वीडियो में जाइए, अस्थि वाला जो चैप्टर है ना, उस
उसको मैंने जब पढ़ाया था ना, तो इस कैल्शियम तथा फास्फोरस की बारे की पूरी कहानी आपको बताई थी, क्या आखिर क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर आपको बताने का कार्य किया था। अब समझिए, फास्फोरस की अगर हम बात कर लें तो फास्फोरस अस्थि तथा दांतों का निर्माण में सहायता करता है। इसके बाद बात करेंगे पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्या करता है कहना सर, क्या करता है कहना सर, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको बता दें एसएससी के एग्जाम में तथा आरआरबी तथा आरपीएफ 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और लगभग एक दो बार रिपीट भी हुआ है। ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पोटेशियम क्या करता है, हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है कि जो आपकी हृदय की धड़कन है 1 मिनट में 72 बार ही धड़के, उससे ज़्यादा धड़के तो समस्या, उससे ज़्यादा कम धड़के तो भी समस्या है ना, समस्या ही समस्या है। समस्याओं का हल क्या, आपको अपने जीवन में स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसीलिए पता इन मोटिवेशनल 4 पंक्तियों से आपके साथ आज वीडियो प्रारंभ की है। कहीं ना कहीं ये पंक्तियाँ जो थी मुझे बहुत बेहतरीन सी लगी, मैंने कहा आज से ये पंक्तियाँ मैं आपको डेली सुनाने का कार्य करूँगा, जिससे कि आपको एक एनर्जी फील हो, आपको एक अच्छा लगे और आप में एक मोटिवेशनल अंदर से आना चाहिए, है ना। अंदर वाला मोटिवेशनल है वो ज़्यादा चलता है, बाहर वाला नहीं चलता है, अंदर वाला मोटिवेशनल ज़्यादा चलने का कार्य करता है। तो पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम क्या करता है, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले पॉइंट की, जो सल्फर होता है, सल्फर यानी गंधक, दोनों बात एक ही है, या सल्फर कह लें या गंधक कह लें, दोनों बात ही एक ही है, कन्फ्यूज़न मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जो अगर सल्फर की बात करें, सल्फर जो गंधक होता है, प्रोटीन बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। सल्फर यानी गंधक प्रोटीन बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। नाखून बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, नाखून किसके बने होते हैं, बाल किसके बने होते हैं, कहना सर कैरोटीन नामक जो प्रोटीन होता है उसके बाल तथा नाखून बने होते हैं। लेकिन जो कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है, सल्फर तथा गंधक इनका विशेष योगदान, यानी सल्फर का विशेष योगदान रहता है इनके निर्माण में, क्या रहता है इसके निर्माण में विशेष योगदान रहता है सल्फर का। क्लियर, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बताइएगा, समस्याओं का हल किया जाएगा, अगली वीडियो में उसको ले लिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ कोई भी डाउट आपका क्लियर नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका कोई भी डाउट क्लियर ना हो, सारे डाउट आपके यहीं पर क्लियर किए जाएंगे। आपको बताओ इससे ज़्यादा क्या बता देंगे भाई, कमेंट में आप कमेंट करो, हाल क्या रिप्लाई लो, हाल के लिए रिप्लाई मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। बशर्ते ये जरूर है कि हम देख ना पाएँ तो ये अलग बात है, जैसे ही देखेंगे आपको हाल के रिप्लाई देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है उन्हें तो हम बता नहीं रहे हैं, सारी चीज़ें बताएंगे, कोई दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। आप समझिए, आपके लिए पता हम तो ये विचार में भी हैं कि एक डाउट सेशन भी प्रारंभ कर दें, जिन बच्चों के डाउट रहेंगे उनको एक सेशन में पूरा पूरा डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, है ना। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा समय का अभाव है, समय थोड़ा सा कम मिलता है, इस सीमित समय में थोड़ा सा, बस सीमित समय थोड़ा सा अच्छा कंटेंट मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करें, है ना। चलो, क्योंकि भैया जी आपकी तरक्की होगी तभी तो हमारी तरक्की होगी, पता सभी अपने अपने जीवन में स्वार्थ से जीवन जीते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई के पेरेंट्स हो, कोई भी होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, सभी स्वार्थ में ही अपना काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, मेरा स्वार्थ ये है कि जब आप लोग सफल हो जाएंगे तो मैं तो अपने आप सफल हो जाऊँगा। आपका स्वार्थ क्या है कि हम सर के माध्यम से अगर सफल हो जाएंगे, सफल होने के बाद हम एक बड़ी जॉब कर लेंगे, आप अपनी तनख्वाही को हमें 1 रुपये नहीं देंगे, ये बात का हमें पता है। तो इसमें आपका स्वार्थ क्या है, आपको एक जॉब मिल जाएगी बहुत बेहतरीन सी, इसलिए आप पढ़ने आ रहे हैं, और आप जब हमारे पास पढ़ेंगे तो इसमें हमारा भी काम होगा, हमारा नाम होगा कि नहीं हमने सर सम्राट सर से बहुत बेहतरीन सेशन ने कंटेंट दिया था, फ्यूचर अकेडमी एक्स वाई जेड के माध्यम से हमने पढ़ाई की है। तो कहीं ना कहीं जीवन में क्या है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई कहीं, कोई किसी से कहीं मांगता है तो कोई कहीं मांगता है, कोई मंदिर के द्वारे मांगता है तो कोई मंदिर के अंदर मांगता है, लेकिन इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में सभी एक दूसरे से मांगने का काम, यानी भीख मांगने का काम ही करते हैं। कोई दया की भीख मांगता है तो कोई पैसों की भीख मांगता है, कोई पैसों की भीख मांगता है, कोई धर्म की भीख मांगता है, कोई किसी चीज़ की भीख मांगता है, कोई सुकून की, कोई चैन की भीख मांगता है। किसी के पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, किसी के पास मखमल के गद्दे हैं पर नींद नहीं है। तो सभी इस दुनिया में जो भी है ना, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी का एक दूसरे के प्रति क्या है, स्वार्थ है।
तो बशर्ते क्या स्वार्थ इतना अच्छा रहता है कि आपका भी भला होता है, दूसरे का भी भला होता है, यही मोटिव रहता है फ्यूचर एकेडमी एक्स वाई जेड का, क्योंकि आपको सफल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आगे बात करेंगे सोडियम को। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह तंत्रिकाओं में आवेश संचरण के लिए, तंत्रिकाओं में आवेश संचरण के लिए आवश्यक होता है। तंत्रिकाओं में आवेश संचरण के लिए क्या होता है कि ना सर जी, तंत्रिकाओं में आवेश संचरण के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर में जल को रोक कर रखता है, शरीर में जल को रोक कर रखता है। मैग्नीशियम जो होता है वो शरीर में बहुत कम आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम की शरीर में क्या होती है, बहुत कम आवश्यकता होती है। समझिए इस लाइन को, थोड़ा सा समझिए। सोडियम जो होता है वह क्या करता है, कहना सर सोडियम जो होता है हमारी बीपी को नियंत्रित करने का काम करता है। किसको, कहना सर हमारे रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। यानी आपकी जो ब्लड है वो 120 बटे 80 की रफ्तार से ही दौड़ना चाहिए। अगर ज़्यादा होता तो अटैक आ जाएगा, कम हो जाएगा तो भी टक जाएंगे। तो दोनों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये इस कौन करता है, ये करता है सोडियम। क्या करता है ये सोडियम करता है, सोडियम क्या करता है, रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और ये है तंत्रिकाओं में आवेश की संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह क्या करता है, यह शरीर में जल को रोकने का कार्य करता है। जबकि हमारे शरीर में सबसे कम जरूरत किसकी होती है, कहना सर हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है मैग्नीशियम की। किसकी, मैग्नीशियम की। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको वहा खनिज समझ में आया होगा। बात करते हैं सूक्ष्म खनिज की। आखिर सूक्ष्म खनिज क्या होता है, इसकी आवश्यकता शरीर में बहुत कम होती है। क्या होती है इसकी आवश्यकता शरीर में बहुत कम होती है, ये सूक्ष्म खनिज है। क्या है, सूक्ष्म खनिज, बहुत खनिज यानी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जिनकी, बहुत खनिज, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सूक्ष्म खनिज, ठीक है। सूक्ष्म खनिज को देखेंगे, जैसे कि हमें देखो आयोडीन की आवश्यकता बहुत कम होती है, जबकि Fe लोहे की आवश्यकता CaF तथा क्या है मोले मोले वो डेनियम मोलेबिडेनियम की भी आवश्यकता हमें बहुत कम मात्रा में होती है। इसके बाद बात करेंगे, देखो सीधा बात है सूक्ष्म यानी बहुत कम मात्रा, सूक्ष्म यानी क्या होता है छोटा, छोटा यानी कम मात्रा में जिन खनिजों की आवश्यकता होती है वो खनिज दिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ना सर आयोडीन हो गया है ना, क्या हो गया जो मोलेबिडेनियम हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम भी आ सकता है ना। बात करेंगे जल की। अगर जल की बात करते हैं तो यह कहना सर जल की जब बातें आती है ना तो दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि जल क्या है, कहना कहना सर जी जल ही जीवन है, यह स्लोगन है ना, ऐसे ही नहीं दिया गया है। आप एक दिन देखिए पानी को नहीं पीना है, सोचिए कि आज पानी नहीं पीना है और आज खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना, फिर देखिए आपकी हालत 12 घंटे में ऐसी हालत हो जाएगी भाई साहब, कतई जहर हालत। कुछ लोग कमज़ोर होंगे तो हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ेगा। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है अपने शरीर के लिए, किस क्योंकि बता 95% जो भाग है अपना शरीर का, 95% भाग जल से ही बना है, पूरा भाग 95% हमारे शरीर का, लगभग हाँ 92 से 95% हमारे शरीर का सिर्फ पानी से बना है भैया जी। चाहे मस्तिष्क की बात हो, चाहे किडनी की बात हो, चाहे किसी भी पोर्शन की बात कर लें, सब में पानी है। अधिक से अधिक क्या है, अधिक मात्रा में पानी ही मिलता है। तो यह क्या होता है, यह आकर्षणिक होता है। इसका जो सूत्र होता है, कहना सर जल का सूत्र तो सभी को पता है, कहना H2O। इसमें H तथा O के बीच का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। H जी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए। H2O का जो अनुपात होता है 2:1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको लिख भी दिया है और वेरी इंपॉर्टेंट, लिखने से मत चूकिएगा। तो H2O का किनके जो बीच का अनुपात, O और H के बीच का अनुपात क्या होता है, जे O और H के बीच का अनुपात क्या होता है, H और O, ठीक है। एच और ओ के बीच का अनुपात कितना होता है, कहना कहना सर जी 2:1। सीधा तो दिख रहा भाई, एच में कितने हैं, कहना सर 2 जुड़े एच, और ओ कितना है, 1 है, तो 2:1 सीधा हो गया। तो एच तथा ओ के बीच का अनुपात 2:1 होता है। शरीर में 65% जल पाया जाता है, सॉरी भैया जी कितना, शरीर में 65% भाग कितना पाया जाता है, कहना सर जी जल पाया जाता है। इसकी कमी से हमें निर्जलीकरण हो सकता है, यानी वीकनेस आ सकती है सीधा सीधा, और चक्कर आने लगते हैं। जल शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। क्या करता है, जल शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, उत्सर्जन की क्रिया में भी भाग लेता है।
उत्सर्जन की क्रिया में भी भाग लेता है क्या ना सर? उत्सर्जन की क्रिया मतलब सर समझ में नहीं आया। देखो अपने शरीर का अभी मैंने बताया था आपको कि 65% भाग में जल है, 65% भाग में, भैया वो 90%, 95% मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा और कुछ को समझ लिया था, कोई और बात सोच रहा था इसलिए 95% कह दिया। बट अगर जल की बात करें तो जल 65% ही पाया जाता है। कितना कहना सर? 65% ही पाया जाता है। देखो अगर सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या अनदेखा कर दिया जाए ना, तो बड़े में आपके लिए एक सोने का बड़ा खजाना आपका इंतजार कर रहा होगा। अगर आप छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के चलेंगे ना, तो बड़े खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे, गारंटी इस बात की। तो छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ना है, बड़े खजाने की ओर हमें जाना है। तो 65 जो परसेंट है वह हमारे शरीर में जल पाया जाता है और यह तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा आपको बता दें यह चक्कर अगर इसकी कमी हो जाती है ना, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है ना तो क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं। विशेष प्रकार को आपको भर्ती भी होना सकता है। सीधी सीधी बात है, आपको समझदार हैं इतने। तो यहाँ पे देखिए मोटा चारा या रक्षांश, ये तो हम पिछली बार भी पढ़ा चुके, हर वीडियो में एक दो वीडियो में आ भी चुका है। यह पचते नहीं हैं, यह रेशेदार होते हैं, यह आहार नाल की दीवारों को साफ करने का कार्य करते हैं, यह शरीर में जल को रोक कर भी रखते हैं, जैसे कि जल्दी बोलो, जैसे कि साख के डंठल, यानी साख नहीं समझे, मोटी वाले डंठल, भाजियों के जो मोटे डंठल होते हैं ना, साख सब्जी नहीं बोलते हैं उन्हीं के डंठल है ना, तो ये क्या करते हैं हमारे शरीर को, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड पानी को रोकने का कार्य करते हैं। किसका कि न सर, पानी को रोकने का कार्य करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना। समझ में आई चीज़ें कि नहीं, जल्दी बताओ। अच्छा समझ में आई कि नहीं? अच्छा आज की वीडियो में आनंद आया कि नहीं, सच बताना। देखो आनंद आया ना, तो बस क्या करना है अब, हाँ कि ना सर सपोर्ट करेंगे आपको, पूरा फुल टेंशन मत लीजिए आप। भैया जी अगर आप सपोर्ट करेंगे, इस बात की गारंटी दूंगा 2023 के अंत तक आपके पास एक सरकारी नौकरी आपके चरणों में होगी, आपके पास होगी, इस बात की गारंटी है। आप अगर बहुत बेहतरीन से स्टूडेंट रहेंगे ना, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि इस नौकरी को करें कि इस नौकरी को करें, इसमें बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कर दी जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बाहुबली बैच समाप्ति की ओर है, वहीं पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री का राम सेतु बैच, वो भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है, डेली क्लासें उसकी चल रही हैं। इसके अलावा पॉलिटी की हम बात करें, पॉलिटी में भी संविधान पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी रात में 8 बजे भी देखो कितने बेहतरीन तरीके से, 1 तारीख को देखना आप कितनी धमाकेदार उसकी एंट्री होगी, उसमें इतनी बेहतरीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, रट जाएंगी, यूँ चुटकियों में हो जाएंगी। ये देखना, देखो सिलेबस को एक एक बार खत्म कर लो। आप लोग कहते हैं जीके का बहुत बड़ा सिलेबस है, अनंत सागर है। भाई सागर अनंत तो है, लेकिन उसको एक बार कंप्लीट तो करो, पूरा कंप्लीट ही नहीं करते। जैसे मान लो आपने एक मैथ का एक चैप्टर लिया, और मैथ को चैप्टर लेने के बाद उसको पढ़ाई करी, वो तो वो पूरा चैप्टर लगाना पड़ेगा ना आपको, वो सब्जेक्ट पूरा फिल करना पड़ेगा, वो चैप्टर को पूरा खत्म। जैसे नंबर सिस्टम उठाए तो नंबर सिस्टम के सारे टाइप के सवाल लगाने पड़ेंगे ना, तो इसी प्रकार जीके का पोर्शन है, आपको सारी चीजें लेनी पड़ेंगी ना। आप सोचोगे हिस्ट्री को छोड़ दें हम, तो हिस्ट्री को छोड़ दो, एक टाइप के सारे सवाल ही चले जाएंगे वो तो सीधे, है ना। तो सबको लेना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा ना। फिर कहोगे सर वो आता नहीं है हिस्ट्री से, वो जीके हाथ होती नहीं है हमें याद, ऐसा नहीं होता। हाँ तो देखो बेफालतू का याद करने से अच्छा है एक बार बेहतरीन तरीके से फाउंडेशन बैच पढ़ लो, पूरा डिटेल से ज्ञान ले लो, उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, तुम्हारा सिक्का चलेगा। क्या तुम्हारा सिक्का चलेगा? क्योंकि आप फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से पढ़ने का कार्य कर रही हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट